स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज है 1 अगस्त 2022 सोमवार का दिन, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो ईपीएफओ ने पेंशनर्स को दी है खुशखबरी, अब फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए जमा करा सकेंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक होता है। अब रिटायरमेंट फंड बोर्ड ईपीएफओ ने पेंशनर्स के लिए खुशखबरी दी। दरअसल ईपीएफओ ने शनिवार को अपने 73 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कहीं से भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की सुविधा शुरू कर दी है। वही फेस ऑथेंटिकेशन जो है वो चेहरे की पहचान का ऑथेंटिकेशन उन बुजुर्ग पेंशन भोगियों की सहायता करेगा जिन्हें लाइफ सर्टिफिकेट दाखिल करने के लिए वृद्धावस्था के कारण बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट आंख की पहचान जुटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने पेंशन भोगियों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत कर दी है, यानी सुविधा की शुरुआत कर दी है। इससे पहले यहाँ पर ईपीएफओ की यहाँ पर टॉप बॉडी सेंट्रल बोर्ड जो है सीबीडीटी, उसने अपने यहाँ पर 221वीं बैठक में पेंशन भोगियों के लिए ईपीएफओ सेवा में और सुधार के लिए पेंशन सैटेलाइट डिस्ट्रीब्यूशन करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है और कहा गया है कि इसकी पेशकश विभिन्न चरणों में होगी और तौर तरीकों को और विकसित यहाँ पर किया जाएगा। अगली खबर की तो HDFC के ग्राहकों को झटका देनी होगी ज्यादा EMI, कंपनी ने महंगा किया है होम लोन। देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है HDFC, उसने होम लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी करके ग्राहकों को झटका दिया। दरअसल HDFC ने शनिवार को अपने रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट यानी RPLR में इजाफा यहाँ पर किया है। वही RPLR में बेंचमार्क लेंडिंग रेट होता है, इसे आप न्यूनतम ब्याज दर भी कह सकते हैं। HDFC ने इसमें 0.25% का इजाफा किया है। वह बड़ी हुई जो दर है वो 1 अगस्त से लागू हो जाएगी। बता दें आपको कि इसका असर नए और मौजूदा दोनों ग्राहकों पर पड़ने वाला है। दोनों के लिए लोन की जो EMI है उसमें वृद्धि होगी और उनका मंथली बजट पर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव है वो होगा। वही HDFC ने स्टॉक एक्सचेंज को यहाँ पर शनिवार को ब्याज दरों की वृद्धि की जानकारी यहाँ पर दी है। वही HDFC ने कहा है कि HDFC ने हाउसिंग लोन पर अपने रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट यानी ARL जो है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी, यानी बढ़ोतरी इसमें कर दी है। ये जो दर है वो यहाँ पर 1 अगस्त यानी आज से प्रभावी यहाँ पर हो जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की तो WhatsApp का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। WhatsApp का नया फीचर अब एडमिन को मिलेगी ये सुपर पावर, डिलीट कर सकेंगे कोई भी मैसेज। WhatsApp ने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए एक से बढ़कर एक नया फीचर यहाँ पर लाता रहता है, यानी नए से नए फीचर पर काम करता रहता है। वही ग्राहकों की सहूलियत को देखते हुए कंपनी पहले ही कई खास फीचर पेश यहाँ पर कर चुकी है और अब काफी जो नए फीचर है वो यहाँ पर अच्छे फीचर यहाँ पर आने की बात सामने आई है। दरअसल वा बीटा इन्फो के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपने यूजर्स के इंटरफेस को बढ़ाने के लिए कई फीचर पर काम कर रहा है। ऐप अब एक ऐसे फीचर को लॉन्च कर रही है जिसमें जो ग्रुप एडमिन है वो ग्रुप के किसी को मैसेज को भी यहाँ पर डिलीट कर सकें, यानी ग्रुप एडमिन मैसेज को डिलीट फॉर ऑल का बटन यहाँ पर जो ग्रुप एडमिन उसको मिलेगा। मतलब यह है कि ग्रुप में भेजी गई किसी भी मैसेज को एडमिन जो है वो डिलीट कर सकता है और फिर वो मैसेज को किसी भी यहाँ पर जो मतलब एडमिन जिस मैसेज को डिलीट करेगा वो किसी को नहीं दिखेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सभी के लिए ग्रुप मैसेज को डिलीट करने का जो नया फीचर है वह ग्रुप एडमिन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप को बाहर मतलब जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो यहाँ पर पहले से भी ज़्यादा यहाँ पर बेहतर तरीके से यहाँ पर मॉडरेट करने में मदद ये जो नया फीचर है वो करेगा। बात करते हैं अगली खबर की तो 17 साल में इश्यू हो जाएगा वोटर आईडी कार्ड, साल में 4 बार कर सकेंगे अप्लाई। देश के युवा मतदाताओं के लिए बड़ी खबर। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से ये जानकारी यहाँ पर दी गई है कि अब वोटर आईडी कार्ड के लिए युवा 1 साल में 4 बार आवेदन कर सकते हैं। वही चुनाव आयोग ने बताया कि नए मतदाता अपनी पहचान कराने के लिए रजिस्ट्रेशन के समय जो अपना आधार नंबर है वो दे सकते हैं। निर्देश के मुताबिक जिन लोगों की आयु 1 जनवरी 2023 में 18 साल पूरी हो रही है वह भी वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड के लिए युवा 1 साल में 4 बार आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग ने बताया कि नए मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पंजीकरण के समय आधार नंबर दे सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के बाद प्रत्येक मतदाता को यहाँ पर एक जो कार्ड है वो जारी किया जाएगा जिसके नाम
पहले से यहाँ पर मतदाता सूची में सम्मिलित है वह 1 अगस्त से 31 मार्च 2023 तक आधार नंबर वोटर आईडी में अपडेट यहाँ पर आप करवा सकते हैं। इसके लिए नया फॉर्म 6B यहाँ पर भरा जाएगा। वही चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को आधार से लिंक करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसके लिए आज से यानी 1 अगस्त 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक अभियान यहाँ पर चलाया जाएगा। अभियान में वोटर लिस्ट में शामिल हर नाम का आधार नंबर उसे लेकर आधार से लिंक यहाँ पर कराया जाएगा। इसके लिए साल में 4 बार 1 अप्रैल 1 जुलाई 1 अक्टूबर 1 दिसंबर को वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। वही भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से जो आरपी एक्ट है 1950 के सेक्शन 14 में रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रूल 1960 में जरूरी बदलाव किया गया। इसके अलावा वोटर कार्ड बनवाने के लिए आवेदन फॉर्म में जरूरी बदलाव किया गया है जो कि आज से लागू हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो वोटर कार्ड बनवाने से यहाँ पर नाम पता आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड लिंक करवाने के लिए जो फॉर्म में बदलाव किए हुए हैं यहाँ पर सभी के लिए उपलब्ध होंगे। यानी जो जो बदलाव यहाँ पर किए गए हैं वो सभी के लिए उपलब्ध हो गए। जिन लोगों की आयु यहाँ पर 1 जनवरी 2023 को 18 साल की पूरी होगी वो वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करा सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 17 साल में यहाँ पर जो भी व्यक्ति यहाँ पर जो युवा है वो 17 साल का हो गया है तो वो वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी जो युवा यहाँ पर 17 साल के हो गए वो 17 साल में ही आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं और अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इन गाँवों में मिलेगी अब 4G सुविधा। केंद्र सरकार ने पंजाब में 4G परियोजना से वंचित 5 गांवों में 4G सेवाएं मुहैया कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की जो लागत है वो 26,316 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना के तहत दूरदराज और दुर्गामी क्षेत्रों के 24,780 गांवों में 4G की जो मोबाइल सेवा है वो प्रदान की जाएगी। इस परियोजना के तहत पंजाब के बठिंडा, जालंधर और तरनतारन जिलों के 5 गाँव में भी यहाँ पर 4G मोबाइल सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 जुलाई को देश भर में परियोजनाओं से वंचित गांवों में 4G मोबाइल सेवा प्रदान कराने के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। ये परियोजना मोबाइल ब्रॉडबैंड के जरिए अलग अलग ई गवर्नेंस सेवाएं और बैंकिंग सेवाएं और टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन आदि सेवा मुहैया कराने के लिए बढ़ावा देगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करेगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट रखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी शुरू हुई ये सुविधा। पोस्ट ऑफिस में खाता रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर। दरअसल ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की बढ़ती डिमांड के बीच भारतीय डाक ने भी यहां पर ग्राहकों के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी NEFT की सुविधा को शुरू कर दिया। आपको बता दें कि पोस्ट ऑफिस में ये जो नया नियम है वो लागू कर दिया गया है जिसमें NEFT और RTGS की सुविधा शुरू की गई है। पोस्ट ऑफिस की इस सुविधा के अनुसार खाताधारक अन्य बैंकों की जैसा ही यहाँ पर सुविधा ले सकता है। वह पोस्ट ऑफिस का ये कदम है वो अपने यूजर्स को फ्रेंडली बनाना है। दरअसल नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी NEFT एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड पर है जिसमें खाताधारक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे का लेन देन आसानी से साथ यहाँ पर कर सकता है। पोस्ट ऑफिस बैंकों की छुट्टियां और समय की परवाह किए बिना ही ये 24 घंटे छातों दिन और 365 दिन ये सुविधा उपलब्ध करवाता है। वही NEFT के जरिए आप कितना भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट तय नहीं की गई है। वही पोस्ट ऑफिस के जो ग्राहक है उन्हें पैसे भेजने में ये सुविधा यहाँ पर मिलेगी लेकिन उन्हें उसके लिए चार्ज देना होगा। दरअसल अगर आप यहाँ पर NEFT से अगर पैसे ट्रांसफर करते हैं तो उसमें 10,000 रुपये तक के लिए आपको 2.5 रुपये प्रति यहाँ पर GST देना होगा। वही 10,000 से 1,00,000 के बीच में आपको 5 रुपये प्रति GST देना होगा। भाई 1,00,000 से 2,00,000 रुपये की रकम के लिए 15 रुपये प्लस GST और 2,00,000 से अधिक की रकम के लिए 25 रुपये प्लस GST का चार्ज देना होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तब हर मरीज का 48 घंटे तक मुफ्त में होगा इलाज। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए योगी सरकार ने एक अहम कदम उठाया। दरअसल सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इमरजेंसी में भर्ती होने वाले मरीज को 48 घंटे तक फ्री में इलाज कराने का ऐलान यहां पर सरकार ने किया। दरअसल इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही। दरअसल सरकार का दावा है कि इसके तहत देश में पहली बार अस्पतालों में लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। वही सरकार इसके लिए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं में यहाँ पर अमूलचूल परिवर्तन करने की तैयारी कर रही है। दरअसल सरकार के इस फैसले से आधारभूत सुविधा विकसित करने के लिए 1,614 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वही सरकार एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली 750 एम्बुलेंस भी खरीदी सरकार की ओर से जाएगी। वही इसके अलावा यहां पर ट्रामा और नॉन ट्रामा मेडिसिन रोगियों के निःशुल्क उपचार में हर साल औसतन 550 रुपये खर्च यहाँ पर सरकार का आएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो जनाधार कार्ड रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। जनाधार कार्ड में अब एक से ज्यादा कर सकेंगे संशोधन।
राजस्थान में प्रत्येक सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने जन आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया। इसके तहत राजस्थान में करीब हर परिवार इस कार्ड से यहाँ पर जुड़ता जा रहा है। भाई कई बार ऐसा होता है कि कार्ड बनवाने में कई गलतियाँ हो जाती है, उनमें सुधार नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों को राजस्थान सरकार ने बड़ी राहत दी। दरअसल राजस्थान में जन आधार कार्ड से जुड़े 1,77,00,000 परिवार अब एक से ज़्यादा बार उसमें संशोधन यहाँ पर क्लिकेशन जो है वो यहाँ पर करवा सकेंगे। भाई पहले केवल एक ही बार संशोधन का मौका दिया जाता था, वह दूसरी बार संशोधन में कोई भी विकल्प यहाँ पर नहीं दिया गया था। वह जन आधार कार्ड बनवाने के दौरान परिवार के मुखिया का नाम, सदस्य का नाम और इसके अलावा यहाँ पर जन्मतिथि, जेंडर या फिर जाति को लेकर कई बार गलतियाँ रह जाती है। वही गलतियों को लेकर आम जनता परेशान भी होती है। सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। अब जन आधार में एक से ज्यादा बार संशोधन किया जा सकता है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के अध्यक्ष और मुख्य सचिव उषा शर्मा ने इस बाबत में आदेश जारी कर दिए हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा सरकार का बहनों को तोहफा, रोडवेज में फ्री सफर कर सकेंगी बहनाएं। बहनों और भाइयों का रक्षाबंधन का त्यौहार यहाँ पर आने वाला है, यानी बहनों और भाइयों को रक्षाबंधन के त्यौहार का इंतजार रहता है। ये त्यौहार भाइयों के अटूट प्रेम का प्रतीक है। ऐसे में रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हरियाणा सरकार ने महिलाओं को लेकर एक बार फिर बड़ा ऐलान किया। दरअसल मनोहर लाल खट्टर सरकार ने राज्य की बसों में बहनों को मुफ्त में यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ। दरअसल इससे पहले भी यहाँ पर हरियाणा के अंदर रोडवेज बसों में रक्षाबंधन के दिन बहनों को सरकार की ओर से सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती रही है। वही सीएमओ हरियाणा की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार ने महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा देते हुए इस बस भी हरियाणा परिवहन बस सेवाओं में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। वही मुफ्त यात्रा की सुविधा 10 अगस्त दोपहर 12 बजे से आरम्भ होकर 11 अगस्त 2022 रक्षाबंधन के दिन रात्रि 12 बजे तक ये जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो यहाँ पर फ्री में यात्रा कर सकेंगी। बता दें आपको कि इस साल 11 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। वही भाई बहन के बीच प्रेम को दर्शाने वाले इस त्यौहार के दिन शादीशुदा बहनें अपने भाई के घर जाकर भाई की कलाई पर रक्षाबंधन बांधती है। वही इस साल सावन की पूर्णिमा तिथि के दिन यहाँ पर रक्षाबंधन जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा।